दर्शक भी नमस्कार। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपको कछुए के बारे में कहाँ और कैसे रखें इस संदर्भ को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और कमेंट्स करके ये बताएं कि आपको क्या समस्या है, मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो आज हम टॉपिक के ऊपर मैटर करते हैं, कछुआ कहाँ और कैसे रखें। कछुआ घर में इसलिए रखा जाता है कि समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छक रूप धारण करके सुमेरु पर्वत गिरते हुए सुमेरु पर्वत को अपने कंधों पर ऊपर उठाकर देवताओं को राक्षसों को उन्होंने सहयोग किया था समुद्र मंथन के टाइम। तो उसी टाइम माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी से एक वचन दिया था कि आपका कच्छक रूप जहां भी रहेगा मैं वहां हमेशा विद्यमान रहूंगी और साथ रहूंगी। इसलिए कछुए के घर में रखने से सभी प्रकार के दुख के टाइम में भगवान आपके साथ देंगे, माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में विद्यमान रहेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सर्वप्रथम तो कछुआ को एक शुभ प्रतीक माना जाता है। दूसरा, जिस घर में कछुआ स्थापित होता है उस घर में कभी भी किसी प्रकार का नकारात्मक तत्व घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, घर के शुभत्ता को वृद्धि करता है, समृद्धि को वृद्धि करता है। ऐसा ही कछुआ आप हमेशा घर के या तो पूजा में रखें या फिर डाइनिंग रूम पर रखें, उसको इस प्रकार रखें कि उसका मुख उत्तर की तरफ हो, क्योंकि धन का आगमन घर के क्षेत्र में उत्तर से होता है और धन का आगमन उत्तर के क्षेत्र में होने से आप उसको उत्तर दिशा में ही रखें और उसका मुंह उत्तर की तरफ करके रखें। इस तरह से रखें और कछुआ को हमेशा जल के ऊपर विद्यमान करें, सूखा ना रखें, क्योंकि कच्छप रूप धारण किया था उन्होंने समुद्र के ऊपर, इसलिए हमेशा जल अथवा गंगा जल उनके ऊपर उन्हें विद्यमान करें। और अष्टधातु के सर्वबाधा दोष निवारण यंत्र या फिर सर्वबाधा दोष यंत्र लेकर आप उस कछुआ के जस्ट पीछे रखें। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार के कष्टदायक चीज घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, घर में सुख शांति समृद्धि व्यवसाय बिजनेस सभी क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगा। इसलिए मित्र कच्छक रखें, किसी भी मनोकामना पूर्ण करना है कोई भी एक मनोकामना लेकर कछुए को एक जगह स्थापित करें और उसके नीचे भोजपत्र पर नाम गोत्र और मनोकामना लेकर भोजपत्र से कछुए के नीचे अगर दबाएंगे तब भी आपका मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होगा। अगर आपके व्यापार बिजनेस में दिक्कत है तो आप इसको व्यापार बिजनेस क्षेत्र में रख सकते हैं। और कछुए को आप जितने एक जगह स्थापित करेंगे वो उतना ही आपके लिए लाभकारक होगा। हमेशा कछुए को बर्तन को अथवा कछुए को साफ किया जाता है अथवा वहाँ से जल को चेंज किया जाता है अथवा वहाँ से कछुए को हटाया जाता है जब अमावस्या तिथि होता है। उससे पहले आप ऐसी जगह रखें कि वो हिले ना और आप प्रतिदिन उनकी दर्शन करें। अगर इस तरह से निरंतर कछुए की अगर आप पूजा करेंगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि अवश्य प्रवेश करेगी। हस्त मित्र आज के लिए इतना ही, फिर एक और टॉपिक लेकर मैं कल उपस्थित होता हूँ।